एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। अन्वेशास क्रिएटिविटी के सभी दर्शकों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं बात करूंगी फूलों के राजा गुलाब के बारे में, कुछ ऐसी जानकारी जो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं की तो अभी भी फॉलो कर लीजिए। और साथ ही साथ दिखा रही हूँ मैं अपने गुलाब का अपडेट। तो अब से लगभग 15 दिन पहले मैंने अपने गुलाब के पौधे में कुछ ज़रूरी काम किए थे और 15 दिन के बाद ही आप पहले तो उसका अपडेट देखें कि इसके अंदर कलियां आनी शुरू हो गई और आज एक फूल भी खिला है। तो ये देखिए, एक साथ 3-4 बड्स बन गई हैं। एक ये है, एक ये है और एक फूल खिला है और एक बड ये है, देख रहे। तो मेरे पास दो गुलाब हैं, एक येलो और एक ये वाइट कलर का। तो येलो वाला जो है उसमें अभी नई पत्तियां आ रही हैं, आप ये देखिए। जब भी, अरे हाँ, किसी फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि जब उनकी पत्तियां आ रही हैं तो वो कुछ पर्पल या रेड कलर की है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले तो जब नई पत्तियां आती हैं तो वो इसी कलर की होती हैं, फिर वो धीरे धीरे करके अपने रंग में परिवर्तित होती हैं। तो देखिए, ये मेच्योर पत्ती है, इसका कलर ऐसा होता है, ये अभी खिल गई है तो इसका कलर दूसरा ग्रीन है, और जब निकलनी शुरू होती है तो इस तरह की होती है। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको ऊपर दे दूंगी, आई बटन पर आप चेक कर लीजिएगा, या एंड ऑफ स्क्रीन पर दे दूंगी तो आप चेक कर लीजिएगा। आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी हैं। इसके अलावा इसको इस टाइम पर जैसे धूप थोड़ी सी तेज़ हो गई है तो आप इसको कम से कम 4 घंटे की धूप में रखें। उसके अलावा आप इसको ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दें जहाँ पर, मतलब मॉर्निंग की या इवनिंग की, आती या जाती 3-4 घंटे की धूप मिल जाए, बाकी टाइम पर इसको धूप ना मिले। क्योंकि अगर सारा दिन की धूप मिलेगी तो आपका गुलाब जो है वो ख़राब हो जाएगा, मतलब पत्ते जलने लगेंगे और फूल जो है वो भी जल्दी देर तक नहीं खिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि इसमें मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें। मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर देते रहेंगे तो आपका प्लांट जो है वो फ्लावरिंग करता रहेगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि इस टाइम पर अब जैसे इसमें फूल खिलने शुरू हो गए, अगर आपने मेरा पुराना वाला वीडियो फॉलो किया है तो आपको पता होगा मैंने क्या क्या चीज़ें बताई थी। और अब अगर फूल खिलने शुरू हो गए हैं तो आप इस टाइम पर इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो इस टाइम पर मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर इस टाइम पे थोड़ी सी गोबर खाद और दे दें, 2 मुट्ठी, अगर आपका 8-10 इंच का गमला है तो। और कई फ्रेंड पूछ रहे थे कि उनके पौधे की पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ रही हैं। तो पीली जो पत्तियां पड़ती हैं वो इसी कारण से पड़ती हैं कि या तो आपके पौधे में पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और धूप कम मिल रही है, इस वजह से भी पीली पड़ती हैं पत्तियां, या फिर पौधे की मिट्टी ऊपर से, जैसे कि आपको दिख रही है, ये ऊपर से सूखी हुई लग रही है और अंदर से ये गीली होती है। तो देखिए, पौधे की मिट्टी जिस टाइम पर फ्लावरिंग होती है ना, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में मैं आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा पानी देंगे ना तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं या ब्राउन पड़ने लगती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मतलब पानी आपने देना है मॉर्निंग के टाइम पर ही, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने से पहले। तो इस टाइम पे आप धूप ये पानी देते रहें तो आपका पौधा मॉर्निंग के टाइम पे पानी दें। इवनिंग के टाइम पे पानी देने से आपके पौधे की मिट्टी में फंगस लगती है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, अगर आपके पौधे में फंगस लग रही है गलती से, अगर आपके पौधे में फंगस लग गई है तो जो राख होती है, लकड़ी वाली राख मिल जाए या फिर आपको उपले वाली राख अगर आपके पास है तो उसको ना आप एक मुट्ठी राख लेकर के अपने पौधे के ऊपर स्प्रे कर दें। ये बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है और इससे क्या होता है, आपका पौधा जो है वो बहुत तरह के कीड़े होते हैं, स्पाइडर वगैरह होता है, उससे भी बचा करके रखेगा। और जब भी आप मॉर्निंग में अपने पौधे पे पानी देते हैं ना तो अपने पौधे की पत्तियों के ऊपर भी स्प्रे कर दिया करें, तो उससे क्या होता है, ये देखिए आपको पानी की छींटे लग रही है ना कुछ कुछ, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि धुल जाता है हमारा, और अगर चींटियाँ आ रही हैं तो हल्दी और दालचीनी को मिक्स करके आप उसका पाउडर बना करके और इसके अंदर स्प्रे कर दें। या फिर इसके अलावा काली मिर्च को भी, आप चाहे तो काली मिर्च का रेडीमेड पाउडर ले सकते हैं, चाहे तो काली मिर्च को घर में पीस करके पाउडर बना लें। तो वो 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर हर 8-10 दिन बाद अपने पौधे में डाल दें, तो उससे क्या होगा, ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी है, एक तरीके का फंजीसाइड भी है और आपके पौधे को चींटियों से भी बचाएगा। तो
ये काम ज़रूर करते रहें। तो अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपके पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ भी चलेगी, साथ ही साथ फ्लावरिंग भी होती रहेगी। और पानी का ध्यान रखें, शाम के टाइम पे पानी ना दें। फर्टिलाइज़र जो देने हैं आपको इस टाइम पर, अगर आप अप्रैल तक दे सकते हैं गोबर खाद, अप्रैल तक दे सकते हैं मस्टर्ड केक, आप मई तक दे सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने बहुत सारे आपके साथ में फर्टिलाइज़र शेयर किए हैं, अप्रैल के बाद में जो आप दें इसमें वो गोबर खाद ना दें। फिर आपने मस्ट वो जो होता है मैं भूल गई, वर्मी कंपोस्ट याद आया, वर्मी कंपोस्ट आप देते रहिए, उसके बाद में वो आपके पौधे के लिए ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए अच्छा रहेगा। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।